जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आजा सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक नए सिरे से अब मेरिट लिस्ट बनेगी, अर्थात एक चयन सूची बनेगी। उस चयन सूची के उपरांत ही अब उसमें कुछ ये भी होगा कि कुछ लोग रिप्लेस भी होंगे और कुछ नए लोग प्रवेश भी करेंगे, अर्थात जिनके साथ गड़बड़ी हुई है आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ उनको नौकरी मिलेगी और कुछ लोग जो कि उनके जगह पे आरक्षित अनारक्षित वर्ग के लोग जो उसमें सम्मिलित हो गए थे तो वह क्या होंगे, वह रिप्लेस होंगे। तो ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो पत्रकार लोग पूछे तो उन्होंने यही कहा कि हमारी जो सरकार है वह सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेगी, किसी वर्ग का अहित नहीं करेगी, अर्थात किसी के साथ वह नुकसान करने के मूड में नहीं है। तो कहने का अपना यह है, तब इस मैटर में बहुत से लोगों का यह प्रश्न आने लगा कि अगर इनको जो लोग रिप्लेस होंगे अगर उनको समायोजित अगर करने पर विचार अगर करेगी तो नए प्रशिक्षु कहा जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी भर्ती में ऐसा नहीं है कि आप उसमें पद इंक्रीज कर देंगे, ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि आप लोग देखे होंगे 72825 एक बार भर्ती निकली थी, वह टीटी मेरिट पे थी और फिर बाद में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद 72825 वह एकेडमिक मेरिट पे वैकेंसी आ गई, उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे लेकिन बाद में वो भर्ती हो नहीं पाई। अगर वही 72825 की जगह अगर अलग 72826 या 25 या 20 आदि अगर वैकेंसी आई होती तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकेडमिक मेरिट वाला जब सरकार बदली तो उसमें होता, बाकी ये भी मैटर आप जो एक जो टीटी मेरिट वाला है वो चलता रहता। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो 68,500 की जो सीटें बची थी उसको भी लोग प्रयास चाह रहे थे कि 69,000 में वो ऐड हो जाए। तो देखिए कहने का प्राय है कि अगर ऐसा होता करने का प्रयास होता है तो जो भी प्रशिक्षु डीएलएड के प्रशिक्षु और 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं वो क्या बैठेंगे, वो जरूर कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट देखिए किसी एक का पक्ष नहीं लेगी, कोर्ट को सबको लाभ पहुंचाना है। और जो देखा जाके अगर इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है तो जो बेरोजगार प्रशिक्षु है उनका दर्द कम नहीं है। आप सोचिए कि 6-7 साल में करियर आदमी का बन जाता है, जो लोग डीएलएड करके और 6-7 साल तक इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए, आप सोचिए कि वो शुरू से ही एम बनाए थे कि हमको शिक्षक बनना है और वैकेंसी का न आना इतने लंबे समय तक, तो उनके जीवन में जीवन तो एक ही बार मिला है। अब अगर उनका करियर ही पूरा चौपट हो जाएगा तो उनको तो अवसर मिलना मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि कोई भी अगर पद अगर सृजित होता है तो उसमें नए लोगों को भी मौका मिलेगा, मिलना भी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, बाकी सब लोग अप्लाई करें भाई, सब लोग जो चयनित हैं या जो रिप्लेस हो रहे हैं वो लोग भी उसमें अप्लाई करें और भाई जी जिनका चयन होगा वो आगे शिक्षक बनेंगे। लेकिन अब ये तो सही है कि भाई देखा जाए तो ये सिस्टम का ही एक प्रकार से दोष था कि अब वो लोग अगर चयनित हुए और फिर उनको अगर निकाला जा रहा है तो ये तो समस्या है ही। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को अगर एक बार चयनित करिए फिर उनको रिप्लेस करिए, लेकिन देखा जाए तो क्या शिक्षा मित्र के साथ नहीं हुआ था ऐसा, शिक्षा मित्र का भी तो समायोजन हुआ था, 3 साल तक नौकरी करने के बाद शिक्षा मित्र नहीं बाहर हुए तो उनको भी तो कोर्ट के आदेश से ही बाहर होना पड़ा। तो यहाँ तो कोई एक ऐसा तो व्यक्ति विशेष नहीं है कि जो कि किसी को कह रहा है कि नहीं आप, यहाँ तो कानूनगत बातें हो रही है ना, जो कोर्ट अगर उनको निकाल सकता है तो क्या इनको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बात समझिएगा। तो कहने का अपराय है कि अगर भर्ती अगर पद सृजित होता है तो उसमें नए लोगों को भी मौका दें, क्योंकि नए लोगों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो आप नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, 7 साल हो गए ऐसे क्या 10 साल बीत जाएगा तो बताइए कुछ किसी काम लायक रहेंगे, तो उनका तो पूरा जीवन ही एक प्रकार से बर्बाद हो गया कि ना इधर करें उधर करें ना बिजनेस कर पाए ना कुछ कर पाए। 10 साल का समय बहुत होता है, 10 साल में आदमी अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आदमी या कोई व्यक्ति अगर सचेत हो जाए तो अपना करियर बना लेता है, और यहाँ तो इसी में लोग उलझे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि सरकार भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कि नए लोग के लिए नुकसान हो, और अगर ऐसा कुछ आता भी है तो कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो सबको राहत देगी, तो जो नए प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी राहत मिलेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस यही कि चौकन्ना रहने की जरूरत है और जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं लोग भी अपना अलर्ट रहे और देखें क्या क्रियाकलाप है, बाकी ऐसा कोई मतलब ऐसा काम हो कि जो प्रशिक्षु इंतजार कर रहे हैं उनको भी अवसर मिल जाए। और बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।